कि आज क्योंकि मेरी फिर से मार्केट नई मार्केट शुरुआत है। बहुत डायनेमिक है, हर दिन आपको कुछ सिखाएगा वो, और इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम एवरी सिंगल डे। मैंने लिया लोन अराउंड 60K का, मैंने लोन लिया था बैंक से। ठीक है, कहाँ से? नहीं एक्चुअली मेरा मेरे पास क्रेडिट कार्ड था HDFC का, और मैं उसकी पेमेंट करता था क्रेडिट के थ्रू। मेरा एक क्वेश्चन था, आप हाँ। जैसे डेली यूट्यूब पे डेली वीडियोस डाल रहे हो, डेली आपको ये आप अच्छे पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स सारे पॉइंट्स भले ब्रोकर के हो सेबी के हो सारे आप लेके आ रहे हो, कभी आपको भी फील आता है कि बर्न आउट की हाँ डेली करते करते फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जो मैं करना चाहता हूँ अच्छा करना चाहता हूँ रिटेल्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ उसका भी रिस्पॉन्स नहीं है, जैसे अभी रिस्पॉन्स नहीं करता मोस्टली, तो मम्मी पहले बहुत ना करा, नहीं तुमने पहले पहले के पैसे डुबाए हैं, ये करें वो करें, नहीं तुमको ओके नहीं मिलेगा, ठीक है फिर भी जैसे तैसे कन्विंस करते करते मम्मी मान गई एक पॉइंट पर। तो दोस्तों, हर एक ट्रेडर की अपनी एक जिंदगी होती है, अपनी एक कहानी होती है। वैसे तो ऐसी कहानियां हम इस सीरीज में आपके लिए लेके आते रहते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी इसलिए अलग है क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रेडर ने काफी कुछ अलग किया। इसने अपने घर से पैसे लिए, उस पैसे को गवाया, फिर बनाया, फिर गवाया, फिर जाके एक टाइम आया जब उसको लगा कि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ और अपनी बाकी की जो टाइम है, बाकी के जो समय है, वो इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ लाइफ मतलब ट्रेडिंग को दे सकता हूँ। किस तरीके से उस ट्रेडिंग से इसने घर भी बनाया, किस तरीके से एक टाइम ऐसा भी था जब इसको अलग अलग ब्रोकर किराए पर घर देने को मना करते थे, तो एक पॉइंट इन टाइम पर अपनी मेहनत से ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा के अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा बेहतरीन घर बनाया। तो एक पॉइंट इन टाइम पे आके आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि शायद आप भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इनकी कहानी तो हमें इंटरेस्टिंग लगी, तो आइए चेकआउट करते हैं। तो ओके, लेट्स डेल्व टुवर्ड्स योर पास्ट। सो मेरे को जो पता है वो ये है कि दिस वाज नॉट योर सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट, इट बिकेम वन बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड और समथिंग। तो मुझे वहाँ उस इंटरेक्शन से जो आपकी एक दोस्त के साथ हुई थी, जो CA दोस्त थे आपके, वहाँ से शुरू करते हैं अपन। ओके, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तो मेरा एक फ्रेंड था वो एक CA फर्म में काम करता था, तो उसका जो बॉस था वो CA, वो उसको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज देता था, तो करते करते ऐसा होता था कि वो उसको बताया कि आज इस कौन सी कंपनी का वैल्यूएशन पता करो या उसके बारे में कुछ पता करो, तो ही यूज टू डू दोज ऑल थिंग्स, एंड देन वो कॉलेज आता था, हमारा ग्रुप था, हम 4-5 बंदे थे, तो हम डिस्कस करते थे, तो वो बताता था कि यार स्टॉक मार्केट ऐसा है, अगर तुम इतना थोड़ा बहुत पैसा लगाओ तो वो ग्रो करता है, अगर 10,000 लगाओगे तो ऑन एन एवरेज मंथली या ईयरली बेसिस पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 30-40% का ग्रोथ भी, ठीक है। तो हमने मुझे उस टाइम तो पता इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन पता चला चलो कोई नई चीज़, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, कॉलेज था, बिजी में वैसे ही था, तो इतना कोई फोकस दिया नहीं उस पर। तो जैसे जैसे हम कहाँ जैसे जैसे आगे बढ़े, उसके बाद हुआ क्या, एक पॉइंट आया कि 12th करते हुए ही एक्चुअल में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था कि आई हैव टू डू समथिंग, एक्चुअली बड़े हो रहे हो थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर आई होता। आप घर में बड़े थे? एक्चुअली आई एम द ओनली सन, मेरी सिस्टर थी बड़ी, हाँ मेरी सिस्टर थी, उनकी तो ऑलरेडी मैरिज हो रखी थी, और एक मेरा ब्रदर था वो काफी टाइम पहले ब्लड कैंसर के थ्रू डेथ हो गई थी उनकी। तो मैं ही था अभी, तो मैं मेरे फादर मेरी मदर थे, तो फादर की जैसी डेथ हो गई तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही था, यू हैड टू डू समथिंग। तो जैसे जैसे वो चलता गया, तो अब क्या था, कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के टाइम तक बीच में मैंने एक बार जॉब करी थी, जॉब मैंने करी अराउंड 3 मंथ्स, 3 मंथ्स जॉब करी, और करते हुए मुझे पता चल गया था कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस जॉब, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं। जॉब क्या थी वो? जॉब थी मेरी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था मैं, ये जिंदल इन टेलीकॉम में जोमाटो का प्रोसेस था। तो वहाँ पे काम करता था मैं, तो वहाँ पे शिफ्टिंग भी रोटेशनल थी, कभी दिन में कभी रात में, तो वो भी था मेरे ऊपर।
वहाँ पे काम किया, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं था, डेली जाता था, डेली काम करता था मैं। अगर अच्छा भी कर रहा हूँ तो भी मेरे को कोई मतलब कुछ फील नहीं हो रहा कि हाँ मैंने अच्छा करा, खराब किया तो भी कुछ फील नहीं हो रहा खराब किया, मतलब बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं था उधर करने का। जैसे तैसे 3 महीने करे, 3 महीने करते हुए मैं समझ गया कि आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस थिंग। 3 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ी उसके बाद मेरा एक NIT का कोर्स भी कर रहा था मैं साथ में, तो उसके भी कुछ मेरे सब्जेक्ट्स बचे हुए थे, वो मैंने कंप्लीट करने के लिए टाइम ब्रेक लिया। तो जब वो ब्रेक लिया उस टाइम मैं स्टॉक मार्केट का सीखने लगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट का सीखने लगा। रात एक्चुअली होता क्या था, वो सारा प्रेशर उसका बिल्टअप मिलके मेरे साइकोलॉजी पे थोड़ा असर हो रहा था, स्ट्रेस वगैरह सब कुछ मिलके रात को मेरे को होती थी सोने में दिक्कत। मैं अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूं मान लो वीक में 3 से 4 रातें मैं सोता ही नहीं था। क्या टेंशन थी दिमाग में, क्या चल यही रहा सर, था? फैमिली फैमिली प्रेशर, जॉब करनी है, कुछ करना, किसी तरह घर मतलब को स्टक हो सपोर्ट के करना है। जॉब कर भी रहे हो तो पसंद नहीं है वो चीज़, और छोड़ा उसको तो भी एक दिक्कत आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जैसे तैसे वो पीरियड था, तो रात को जब सो नहीं पाता था तो इंसान के ऊपर 2 ही चीजें होती है, या तो कुछ आप फालतू की चीजें देख लोगे या कुछ आप नया सीख लोगे। तो मेरे पास था कि कुछ कुछ तो करना है, तो मैंने टाइम पास भी इंसान एक हद तक ही कर सकता है कि उसके बाद बोर हो जाता है, तो मैंने सोचा हाँ, चलो लेट्स लर्न समथिंग। तो अच्छा। स्टॉक मार्केट था ही मेरे दिमाग में, तो मैंने बहुत फर्स्ट टाइम में स्टॉक मार्केट नहीं सर्च करा, फर्स्ट टाइम यूट्यूब गया एंड आई सर्च द वेरी सिंपलेस्ट थिंग, हाउ टू मेक मनी, ठीक है, क्योंकि वही अभी फोकस था, वही करना था। तो आप जब ओके। हाउ टू मेक मनी सर्च करोगे, आपके रियल इतनी रियल सारी रियल बात चीजें, यही है, रियल बात घुमा फिरा रियल के बात यही ये होती है, है। हाँ, तो इतनी सारी चीजें मिलेगी। तो उसमें आप, मैंने घुस के सारा सारा देखना शुरू किया, मैंने कंप्लीट उसके 5 to 10 pages ऑफ यूट्यूब के सारे कंटेंट देखे मैंने कि ओ माय क्या गॉड। कर सकते हैं, किस कितनी टाइप की चीजें हैं उधर। मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग देखा, वहां पे ई कॉमर्स देखा, वहां पे मैंने स्टॉक मार्केट भी देखा, सब कुछ अच्छा। देखा। फिर मैंने मैंने एनालाइज किया कि कौन सी चीज मैं कर सकता हूँ। तो वहां पे समझ आया स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगता, स्टार्टिंग राइट, आप छोटे कैपिटल से कर सकते हो, वो करेक्ट। पॉइंट था। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा। हुआ क्या था, मैं और मेरा फ्रेंड बैठते थे रात को, जो भी मैं सीखता था अगले दिन मैं फ्रेंड के साथ बैठ के बात डिस्कस करता था। तो डिस्कशन में होता ये था कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसको कुछ बताता, वो मेरे को कुछ बताता, उसी ने आखिर में मेरे को मोटिवेट करा, चल एक दिन जाके ना डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ये कौन से साल की बात है? ये है अराउंड 2016 के एंड की साइड, नवंबर अच्छा, दिसंबर होगा। ओके ओके। तो उस टाइम उसने मेरे को मोटिवेट करा, चल एक दिन जाके डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अब मैं गया, HDFC सिक्योरिटीज मेरा बैंक था, HDFC सिक्योरिटीज का ही डीमैट अकाउंट खोला, HDFC सिक्योरिटीज खोला। लेकिन सर वो इतना अजीब सा एक्सपीरियंस था। मैं वो नहीं बोलना चाहता किसी को खराब, लेकिन उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन था हाँ, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का था। वो लाइक उसमें ना व्हाट? चार्टिंग चार्टिंग ढंग से दिखती थी, ना वहाँ पे ऑर्डर्स का समरी ढंग से दिखता था, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन लग रहा था। फिर भी मैंने 4-5 महीने सिर्फ इन्वेस्टिंग करी। फर्स्ट अमाउंट जो मैंने स्टॉक मार्केट में डाला था वो था अराउंड 10K, ठीक है, 10K से सिर्फ इन्वेस्टिंग करी थी मैंने। स्टॉक्स पिक करता था, मैं होल्ड करता था, जब उसका थोड़ा बढ़ जाता था तो मैं उसके बाद उसको बेच देता कि मुझे हाँ कि हाँ इतना मोमेंटम मिल गया। तो मैं तो उस टाइम सोचता था वो वही है, इन्वेस्टिंग है, बट आई वॉज एक्चुअली डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे तो हो? हाँ, तो वैसा था, तो वहां पे मेरे को एटलीस्ट कोई लॉस नहीं हुआ था, ठीक था 10K में। उस टाइम पे जो स्टॉक पिक किए थे वो किस बेसिस पे पिक कर रहे थे? ब्लू चिप कंपनीज, अच्छा, मुझे सिर्फ ब्लू पता था चिप। मार्केट में कौन सी कंपनीज बढ़िया है, आपको बेस्ट कंपनीज कौन सी है, मैं इंडिया की बेस्ट कंपनीज देखता था, वही पिक करता था, अच्छा, ठीक है। सारी मेरे पास HDFC, बजाज फाइनेंस, बजाज इसमें फिनसर्व, खुद ये बजाज सोचा था फिनसर्व ब्लू तो नहीं चिप के कहता। बारे में? अभी नए, अभी 2016 में नए हो ना मार्केट में, तो ये ब्लू चिप हाँ, वाली चीज़ें तो पता भी कैसे चली होंगी? दोस्त ने बताया या खुद ये की? नहीं, एक्चुअली जो एनालिसिस करते थे हम डेली डेली, तो उसमें मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो देख रहा था, तो अच्छा वही अच्छा वीडियो देखते देखते मैं मैंने पता सेल्फ थोड़ा ये स्टडी। सब भी एनालाइज कर लिया था। हाँ, सेल्फ स्टडी था सारा, ठीक है, अच्छा, तो वही वही से मेरे को पता चला था। तो ब्लू चिप कंपनियां मैंने सारी पिक करी थी, वो सारा मेरा अच्छा था। वो टाइम जब बीता उसके बाद मेरे को जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया थोड़ा, ठीक है। तो HDFC सिक्योरिटीज में दिक्कत हो रही थी, HDFC सिक्योरिटीज से फिर मैंने चेंज करा जीरोधा में। जीरोधा क्यों चेंज करा, वो मैं सारे यूट्यूबर्स को देखता था, ठीक है, वो यूट्यूबर्स क्या करते थे, जितने भी यूट्यूबर्स थे बड़े बड़े यूट्यूबर्स,
वो सारे जीरोधा के थ्रू ट्रेडिंग करते थे, ठीक वो खुद है। भी करते तो थे। मैं, अच्छा हाँ, खुद भी करते थे, तो मैंने उसको प्रिफर करा, जीरोधा में अकाउंट खोला। जीरोधा मेरे को आज भी याद है, 2017 1 अप्रैल को मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया था, अप्रैल फूल डे ठीक को है। एक्टिव हुआ है हाँ, अप्रैल आशीष। फुल डे को ही एक्टिव हुआ था, ठीक है। अच्छा तो उस दिन से मैं फर्स्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो पहला था जब मेरे को, उसके बाद मैंने नॉलेज पे थोड़ा स्टडी और करा था, तो मेरे को ट्रेडिंग का पता चला। अब ट्रेडिंग का पता चला तो पहले, सबसे पहले जो हर रिटेलर करता है, इक्विटी इंट्राडे, ठीक है। वहीं से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई, इक्विटी इंट्राडे। तो वहां पे करता था, वहां पे एटलीस्ट मैंने स्टॉप लॉस वगैरह थोड़ा जान लिया था कि कैसे करना होता है। तो करेक्ट। लॉसेस इतने बड़े नहीं होते थे, पर ओवरऑल मैं लॉस में ही था। अच्छा इक्विटी इंट्राडे करा मैं, और हर एक इंस्ट्रूमेंट में मैंने एटलीस्ट 6 मंथ्स तो दिए। इक्विटी इंट्राडे भी करा तो 6 मंथ्स के ऊपर मैंने उसमें करा। तो उसके बाद मैं और मेरे फ्रेंड लोग थे, यहाँ पे हमारा ऐसी एक स्पॉट है जहाँ पे हम जाके बैठते हैं मार्केट में। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे एक भैया आते थे, हमारे यहीं रहते हैं, तो वो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वगैरह करते थे, ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो उनका था वो, उन्होंने मेरे को ऑप्शन बाइंग के बारे में बताया था अभी कि अभी एक ऑप्शन मिनट, बाइंग अभी कैसा। एक मिनट मैं रोकता हूँ तुम्हें। ऑप्शन बाइंग ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, पहले स्विंग किया फिर इंट्राडे किया और अभी ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहे हैं। अभी 2017 चल रहा है करेक्ट, कुछ और नहीं कर रहे हो अभी? नहीं, कुछ और नहीं कर रहा अच्छा मैं, यही कर रहे हो। यही कर रहा इंट्राडे हूँ। भी फुल डे कर रहे थे, हाँ, डिलीवरी भी फुल डे और स्विंग भी फुल डे देख रहे थे, और और ये ऑप्शन पहला बाइंग। मेरा, हाँ, पहला मेरा अमाउंट 10K का लाया था, हाँ ठीक है। उसके बाद जब मेरे को उसमें प्रॉफिट वगैरह हुए, मैंने मदर को बोला, मम्मी एक काम करो, मैं इसमें यही सही कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो आप मेरे को एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट दो। मैंने उनसे 1 लाख का अमाउंट डिमांड किया। तो ओके 1 लाख का अमाउंट जब मेरे को मिला, तो मैंने उससे फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करी। पहले इक्विटी इंट्राडे, वो अच्छा था, वो अच्छा चल रहा था। इक्विटी इंट्राडे करा काफ़ी टाइम, तो उसमें हर बार कुछ नया सीखता था। जैसे मैंने एक इंडिकेटर के बारे में सीखा, MACD सीखा, तो हर बार एक चीज़ ट्राई करता था, वेदर इट वर्क आउट, वेदर इट डजेंट वर्क आउट। मोस्टली तो मैं गलत ही होता था एट द एंड ऑफ द डे, तो लॉसेस थे। लेकिन इक्विटी इंट्राडे में हर बार स्टॉप लॉसेस ढंग से मेंटेन कर रहे थे, तो लॉसेस छोटे थे, लेकिन अच्छा ओवरऑल लॉसेस ही थे। तो लॉसेस चलते रहे। फिर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विटीज इंट्राडे से मैं ऑप्शन वहां पे बाइंग गया। जाते थे, तो भैया, हाँ भैया जो बता रहे थे, उन्होंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग का बताया। उन्होंने भी बताया कैसे कि आप इक्विटी में खरीदते हो, इतने अमाउंट का खरीदते हो, आपको 10 क्वांटिटी खरीद लिया आपने, तो मानो आपका वो बड़ा 1 पॉइंट तो आपको सिर्फ 10 10 रुपये का फायदा होता। वहीं आपने अगर ऑप्शन में ट्रेड करा, आपको अमाउंट छोटा सा लगता है, लेकिन वो एक दिन में डबल ट्रिपल भी हो सकता है पोटेंशियल। तो वो थोड़ा अंदर आ गया अंदर कि अच्छा ठीक है, ये तो कुछ अट्रैक्टिव बेटर है शायद, हाँ अट्रैक्टिव लगा, ठीक है। अब वहां पे गए, वहां पे काम करा। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, उस टाइम बिल्कुल पता नहीं था थीटा डी के क्या होता है और डेल्टा गामा ये सब क्या होता है, कुछ नहीं पता था उस टाइम। सिर्फ ऑप्शन बाइंग पता थी कि हाँ, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करो, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाय करो, बस इतना पता था। तो वो करा, ऑप्शंस में भी लॉसेस करे, और ऑप्शंस में भी मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम स्पेंड करा था। अच्छा तो क्योंकि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको पूरा पता लगाना है, फील लेना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा जब भी फील आता है। तो मैंने उसमें भी एटलीस्ट 6 मंथ्स स्पेंड करे, और 6 मंथ्स के बाद मैंने देखा नहीं यार, ये भी काम नहीं बन रहा। नहीं, क्या उसके बाद मैं लॉस लॉस हो रहा था वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी लॉस ही पर हो रहे थे मेरे, ऑप्शंस ठीक में है तो लॉस का अभी। स्केल ही हाँ अलग होता है। हाँ ऑप्शन, लेकिन लेकिन मैं एक ही लॉट पे काम करता था, अच्छा एक ही अच्छा लॉट पे काम करता था हर बार, तो तो लॉस भी खुद को आशीष कंट्रोल कैसे करते थे? मन तो करता होगा ना यार, एक लॉट में क्या कर रहा हूँ मैं, 6 महीने किया हूँ, हाँ, तो बीच बीच में मन तो ललचाता होगा ना यार, थोड़ा ट्राई करता हूँ। मन ललचाता होगा, लेकिन वही था, मैं अपने आप को ना मंथ ऑन मंथ एनालाइज करता, क्या इस मंथ में मैंने बढ़िया करा, क्या इस मंथ में मेरे लॉसेस कम हुए। जब तक मैं मंथ ऑन मंथ बेटर नहीं करता था, मैं उस स्केल अप करना प्रेफर नहीं करता, मैंने कभी नहीं करा। और अगर मैं मंथ ऑन मंथ बेटर करता हूँ तो मैं स्केल अप कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कर ही नहीं रहा, अगर मैं लॉसेस में ही हूँ, तो स्केल अप हाँ करने का मतलब नहीं बनता। वो मैंने एक रूल अपना सेट कर लिया था, उसको मैंने हमेशा फॉलो करा। तो क्या हुआ, लॉसेज उधर भी कंट्रोल में रहे, लेकिन ओवरऑल मैं लॉस में ही रहा। उसके बाद आता है फ्यूचर्स, मैंने उत्तरी और स्टडी स्टडी वडी करी, फ्यूचर्स का पढ़ा, पता करा, और सबसे ज्यादा लॉसेस मैंने फ्यूचर्स में ही करे। स्टार्टिंग हुई थी, जब स्टार्टिंग करी तो
तो बिगिनर्स लक मान सकते हो आप, लेकिन जब स्टार्ट करा था तो मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 1,10,000 टोटल अमाउंट में लेकर आया था मार्केट में, उसका हाँ रह गया था 70K। ठीक है, 70K से अब मैंने स्टार्टिंग में जब फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू किया, 1,30,000 पहुंचा दिया था उसको, अच्छा 1,30,000 पहुंचा दिया। लेकिन वहां से जो मेरा ड्रॉडाउन शुरू हुआ, वो मेरे को जितना भी मैंने प्रॉफिट करा तो वो तो गया। उसके हाँ बाद वो 70K से भी मोस्टली अमाउंट विड्रॉ हो गया, लास्ट में बचा था 20K ओ माय मेरे अकाउंट में। गॉड। और ये कितनी हाँ देर में, 1,10,000 ये, रुपए कितनी देर में फ्यूचर ने हाँ किया ये सब? ये आप मान लो मैंने 2017 में से जीरोधा अकाउंट खोला था 18, और 19 से लेके 2020 के क्रैश तक फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड करा। अच्छा 19 मिड पॉइंट से लेके 2020 के क्रैश पॉइंट तक मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड करा था। क्रैश से पहले पहले ही मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट फर्स्ट या सेकेंड डे क्रैश का था, तो उस टाइम मेरे को हो गया था मैक्सिमम लॉसेस। ठीक है, उस क्रैश की हाँ वजह से लॉस हुआ या पहले नहीं, ही पहले से ही पहले? मेरा पहले से ही ड्रॉडाउन चल गया था। क्रैश के टाइम मोस्टली लॉसेस हुए, सबसे बड़े लॉसेस हुए। नहीं, अभी एक बार थोड़े यहाँ पे पॉज लेते हैं। अभी अपन ने 4 सेगमेंट हो गए और तुम्हें भी 4 साल हो गए ऑलमोस्ट मार्केट में। 16 में आए थे तो 20 तक हाँ, हो गया है। तो इसमें डिड यू ट्राई टू चेंज योर स्ट्रेटजी, माइंडसेट, लॉस रिस्क एपेटीट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन चीज़ों की तरफ ध्यान गया कुछ? या अभी नहीं, ट्राई 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 करता हूँ, जो चला वो वैसा, हाँ, अभी वैसा ट्राई फेज चल रहा नहीं है नहीं हाल नहीं नहीं रिस्क रिवॉर्ड तो मैंने मेंटेन करा था, लेकिन होता क्या था, आप ऑप्शन रिस्क रिवॉर्ड इक्विटी में अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, हाँ। ऑप्शन में कुछ पॉइंट तक मेंटेन कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स में आ गए वो गैप अप गैप डाउन आपको इतना इतना खींच बड़ा देगा, हर्ट दे सकते हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक करेक्ट। है, तो वहीं पे मेरे मैक्सिमम लॉसेस हुए, बाकी टाइम मैंने सारा मेंटेन कर लिया था। अभी तक मैं हर बार, जब भी मैं इतना टाइम मैंने स्पेंड करा है, तो मैं हर बार थोड़ा थोड़ा सीखता गया था। पहले 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 जो मैंने रूल्स बना लिए, रूल्स हमेशा फॉलो करें, रिस्क रिवॉर्ड मेरा मेंटेन था। लेकिन होता क्या था, ऑप्शंस और इक्विटी का तो ठीक था, लेकिन फ्यूचर्स में आए वो गैप अप गैप डाउन सबसे ज्यादा हर्ट करते थे। वहां पे मेरा ना रिस्क रिवॉर्ड चलता था, ना मेरा स्ट्रेटेजी ढंग से फॉलो होती थी, वहां पे मैं कुछ नहीं कर पाया। फेयर। और ये सब जो लॉसेस हो रहे थे इसमें, फॉर दैट मैटर, कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार अगर मैं मार्केट में आता हूँ, सेगमेंट ट्राई करता हूँ, चूज़ करता हूँ, मुझे लॉस हो जाता है? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं सीखना शुरू करूँ, जो शायद सीख रहे थे जैसे भैया तुम बता रहे हो, मीन यू एज अ फ्रेंड और समथिंग, या बहुत सारे लोग ना क्विट कर जाते हैं कि क्या है यार, हमेशा सारा नुकसान ही होता है, अगर तो क्या ही पढ़ा है, मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ दिमाग में आई कि क्या करूँ मैं एग्जैक्टली? नहीं, एक्चुअली जब जब वो लास्ट फेज आया मेरा, जो है ऑलमोस्ट सारा ड्रॉडाउन हो चुका है, 20K बचे थे मेरे हाँ पास, मार्केट में क्रैश आ गया था, तो मैंने सोचा अब ये 20K मैं सीधा इन्वेस्ट करता हूँ और मैं और कुछ नहीं करूंगा। बैक टू मैंने वो ज़ीरो जो ट्वेंटी पहले शुरू किया था हाँ बैक वैसे टू ही। बैक टू जीरो बैक टू हाँ जीरो मैं 20K सारी वापस ब्लू चिप्स कंपनीज पिक करी, उनमें 20K अपना डिपॉजिट करा, एंड आई जस्ट स्टॉप्ड। उसके बाद हुआ ये, जो बीच में गैप पीरियड था, देयर आई स्टार्ट लर्निंग वंस अगेन अगेन बैक अच्छा फ्रॉम स्क्वायर वन। आई स्टार्टेड बिगेनिंग फ्रॉम इक्विटी, आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इक्विटी, आई ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एट दैट पॉइंट। ओके okay. आई लर्न जैपनीज कैंडल स्टिक्स, रिच डैड पुअर अच्छा डैड, आई रीड साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उन बुक्स ने काफी ओके हेल्प okay. करी। एक्चुअली मैं उससे पहले मैं बुक्स ही नहीं पढ़ता था, अच्छा मेरे को बुक रीडिंग पसंद है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज पसंद थी। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे मैं सोची चलो कुछ ट्राई करना है, अगर टाइम मेरे पास, देखो अभी कुछ और कुछ करने को पड़ा नहीं, तो करेक्ट मेरे पास है टाइम, टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ इट्स अप टू मी। राइट तो मैंने कहा कि नहीं, लर्निंग पे फोकस करना है, लर्निंग करना है अब, तो मैंने लर्निंग लर्निंग पे फोकस करा। उसके बाद से मैंने सारा लर्निंग स्टार्ट करा। अब हुआ ये कि जो गैप पीरियड था मेरे पास, वहां पे मैंने लर्न करा, मैंने एनालाइज करा अपने सारी पिछली सारी इयर्स की ट्रेड, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, क्या क्या मैं ट्राई कर चुका हूँ और क्या क्या रहता है। तो अब मेरे को पता चला कि मैंने इक्विटी कर लिया, मैंने स्विंग्स कर लिया, मैंने ऑप्शन बाइंग कर ली, मैंने फ्यूचर्स कर लिया। एक सेगमेंट जो मैंने अब तक ट्राई नहीं करा था वो था ऑप्शन सेलिंग। हाँ ओके। हाँ एक सेगमेंट जो सबसे ऑप्शन ज्यादा सेलिंग बचा था। खतरनाक जो है ना, जो जो जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना अपन, तो बीच बीच में छोटे छोटे वो आते रहते हैं, कभी उसको मारो कभी उसको मारो, लास्ट में आता है ड्रैगन, हाँ हाँ वो बिल्कुल, आता है। ये वो ड्रैगन है अरे ऑप्शन बिल्कुल। सेलिंग। तो फिर
तो ऑप्शन सेलिंग, अब मैं उसके बारे में सीखना शुरू करा। तो पहले स्टार्टिंग में सीखा, हाँ इसमें स्ट्रेटजीज बनाते हैं आपको। सबसे मेन होता है अल्फा, ये बीट, गामा, थीटा, डेल्टा और वेगा, ठीक है, वो सब के बारे में पढ़ा। मेन चीज है थीटा। आपको एक चीज आपको कंफर्म है तो ऑप्शन सेलिंग में, कि आप जब ऑप्शन बेच रहे हो वो आउट ऑफ द मनी अगर ऑप्शन है, अल्टीमेटली मार्केट अगर उस पॉइंट, उस स्ट्राइक प्राइस को पार करके ऊपर नहीं जाता, वो उसकी वैल्यू जीरो होनी है, क्योंकि टाइम हमेशा चलता रहेगा और उसकी टाइम वैल्यू डीके होती रहेगी। एक चीज पता है, तो इसके ऊपर स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। तो सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी थी पहले। अब हुआ क्या, जो बीच में गैप पड़ा और मेरे पास कैपिटल था नहीं, मैं ऑप्शन सेलिंग करूं कैसे करेक्ट इस पॉइंट पे, जो मैं अब की, आप अगर कोई मेरे को पूछेगा मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन लेकिन उस टाइम मैंने करा, मैंने लिया लोन, ठीक ओके है, ओके मैंने लिया लोन अराउंड 60K का मैंने लोन लिया था, बैंक से ठीक है। कहाँ से नहीं एक्चुअली मेरा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था HDFC का, और मैं उसकी पेमेंट करता था क्रेडिट के थ्रू। हाँ तो क्रेडिट के थ्रू, क्रेडिट कॉइन्स का एक ऑप्शन होता है, उन्होंने मेरे को हाँ लोन प्रोवाइड करा था। हाँ 15% लेते हैं तो वो। उधर, हाँ, उस टाइम था, मैंने वो सारा ध्यान नहीं दिया, मैंने बस हाँ करना है मेरे को कैसे भी, अब घर में बता नहीं सकते, ऑलरेडी हालत करेक्ट खराब है, क्या करें। करेक्ट तो मैंने वहां से लोन लिया, अब लोन से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करा। पहले मार्जिन था तो कोई इशू नहीं था मेरे को, 60K में मैं आराम से सिंगल लॉट्स पे मैं एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर पाता था, आपका स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल, आयरन प्लाई, आयरन कॉन्डोर, ये सिंपल स्ट्रेटेजीज मैं एक लॉट पे आराम से डिप्लॉय करता था। उस टाइम से बात शुरू शुरू हुई थी कि हाँ मार्जिन रूल आ रहा है और आप इसके बाद मार्जिन ज्यादा लगेगा तो ऑप्शन सेलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम स्टार्ट करा, मैंने उस पर काम करा, बहुत बहुत इजीली जा रहा था। अब हुआ ये जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट करा, तो फर्स्ट 3 मंथ, वो फर्स्ट मंथ मैंने एनालाइज करा, फर्स्ट मंथ में क्या था, मैं अब तक मैंने जितने लॉसेस करे थे और जिस भी सेगमेंट में जिस तरीके के लॉसेस करे थे, दिस टाइम समथिंग इज डिफरेंट, दिस टाइम लॉसेस वेयर इन वेरी मच कंट्रोल, ठीक है। इस टाइम जो हुआ, लॉसेस बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में रहे। मैं अगर 4 वीक है मंथ में, तो 4 वीक में 2 वीक मेरा बेटर गया है, 2 वीक लॉस हुए भी है तो वो बहुत माइनर हुए, ठीक है। तो वहां से मैंने फर्स्ट मंथ एनालाइज करा, ऐसा फिर ऐसा सेकेंड मंथ ऐसा मैंने क्या ट्राई करा। अलग कर रहे थे कि पता नहीं कि क्या हो रहा था। नहीं उस टाइम ये था कि स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, स्ट्रेटेजीज के बारे में मैंने पढ़ लिया था, अच्छा आयरन फ्लाई और कॉन्डोर और ये सब, तो हेजेस का भी पता चल गया था कि हेज करेक्ट क्यों यूज करते हैं। आपका लॉस, अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे तो लॉस अनलिमिटेड है, या मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में चलता जाएगा तो वो आपको लॉस देता ही जाएगा। तो अगर आप उसके बदले एक हेज बाय कर लेते हो, एक मतलब अगर आपने कॉल सेल करी है तो एक और भी फर्दर आउट ऑफ मनी की कॉल बाय कर लेते हो, तो आपका लॉस लिमिट हो जाता करेक्ट है। हाँ तो मैंने उसके थ्रू ये सब सीख लिया। उसके बाद मैं ये करता था कि हमेशा हेज के साथ जाता था, ठीक है, और हेजेस में मैं वेरी क्लोज टू द पॉइंट वेयर आई सोल्ड माई स्ट्राइक्स, तो उसके पास ही रखता, लॉस का अमाउंट बहुत लिमिटेड होता था मेरा। तो हाँ अगर मेर हाँ अगर मैं सही हुआ तो मैं कमाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कमाऊंगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो लॉसेस भी मेरे कंट्रोल में रहेंगे, तो मैं उस राइट हिसाब से काम करता था। तो अब ऐसा था कि पहला मंथ एनालाइज करा, ये सारा कुछ खुद ही सीख रहे हो या कोई बता रहा था, कोई समझा रहा था? खुद ही सीख रहा, सारा सारा मेरा सेल्फ स्टडी है। और ये टाइम कब निकालते थे पढ़ने का सीखने का? मेरा कॉलेज एक्चुअली मेरा वो था, कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज था, इग्नू अच्छा से कर अच्छा रहा था मैं, तो मेरे पास टाइम वैसे होता था। कॉलेज ओके कॉलेज खत्म हो गया और उसके बाद मैंने NIIT का कोर्स कर रहा था, वो भी खत्म हो गया। 2020 आपको पता ही है, उसमें सभी तो घर पे ही थे। लॉकडाउन लॉकडाउन घर पे ही थे। हाँ तो जो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट की पढ़ाई को ही पढ़ाई बना लिया था अपनी। हाँ वही मेरी, मैंने उस पॉइंट तक मैंने समझ लिया था, इफ आई वॉन्ट टू बी समवन आई एम गोइंग टू बी अ ट्रेडर। ओके ओके हाँ तो फेयर। वहां तक तो मैंने समझ लिया था कि यही मेरा, यही बनना है, यही करना है। तो जैसे जैसे मैं उसमें करता गया काम, तो अब क्या हुआ, मैंने फर्स्ट मंथ ऑप्शन सेलिंग में फर्स्ट मंथ ट्राई करा, लॉसेस वेयर इन कंट्रोल। सेकेंड मंथ ट्राई करा, लॉसेस वेयर इवन मोर इन कंट्रोल, अब मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन था। थर्ड मंथ में प्रॉफिट में, फोर्थ मंथ में प्रॉफिट में, ठीक अच्छा है। अब जब मैं धीरे धीरे प्रॉफिट में आया, तो अब जब बात शुरू हो चुकी थी कि वो मार्जिन रूल आने वाला, जब फर्स्ट टाइम 25% का मार्जिन रूल हिट करा, उस पॉइंट पे ये हुआ कि आई वॉज स्टिल एबल टू डू इट,
लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सोच समझ के स्ट्राइक्स को थोड़ा और हेजेस को थोड़े और पास लाके काम करना पड़ रहा था, बट आई वॉज स्टिल एबल टू डू इट। हाँ ठीक है, उसके बाद भी चलो मैं प्रॉफिट में ही रहा, लेकिन जब सेकेंड टाइम वो मार्जिन रूल हिट करा, 50% मार्जिन इज गॉन एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। अब क्या करूँ, अब मेरा एटलीस्ट मैंने कुछ तो करके दिखाया था, ईएमआईज वगैरह थी वो मैंने थोड़ा एडिशनल अमाउंट अपने पास जमा कर रखा था, उसमें से मैं ईएमआई तो दे रहा था, लेकिन अब मेरे पास कैपिटल ही इतना लो था कि मैं कर ही नहीं सकता। देन आई वेंट टू माई मदर अगेन, मैंने बोला मम्मी मम्मी अभी तक, थोड़ा अभी तक मम्मी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया था कुछ। हाँ इस पॉइंट पे मैंने अब दिखाया, अभी तक जो पहले मम्मी ने दिया था उसका तो मैं मेंशन भी नहीं करता था क्या क्या बोलूं। ठीक है, तो सेकेंड टाइम अब मैं मम्मी के पास गया वापस, मैंने कहा मम्मी मैं स्टॉक मार्केट में अब बेटर सीख गया हूँ थोड़ा बहुत, अब मंथ ऑन मंथ आप मेरा ये देख लो कि मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट करा है। अब ऐसा है कि मार्जिन रूल मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर पूरा मार्जिन रूल चला जाता है तो आई वुड नीड अराउंड 2 लैक्स टू सोल्ड अ सिंगल लॉट्स ऑफ स्ट्रेटल इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लिया था मैंने, तो मैंने कहा मम्मी मुझे एटलीस्ट 3 लैक्स की रिक्वायरमेंट है थोड़ा एक्स्ट्रा कि मैं स्टॉक मार्केट में मेरे को काम करना है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में मैं आप काम करना चाहता हूँ इसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा है, आप मेरे को एक बार दो। तो मम्मी पहले बहुत ना करा, नहीं तुमने पहले पहले के पैसे डुबाए हैं, ये करें वो करें, नहीं तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी जैसे तैसे कन्विंस करते करते मम्मी मान गई एक पॉइंट पे, तो मम्मी ने अगेन ये मेरे को दे इतनी दिया। फैमिली सपोर्ट वैसे ना नॉर्मली देखी नहीं है, बहुत हाँ होती हाँ मदर मदर माँ की ठीक आंखों है में मेरा बच्चा सबसे प्यारा। ठीक है, मम्मी मान गई, तो उसके बाद मम्मी ने दे दिया 3 लैक्स। तो इस बार मैंने मैंने वापस वही सिंगल लॉट्स की स्ट्रेटेजी यूज करी, आई वॉज एबल टू मेक सम डिसेंट रिटर्न फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। ओके ठीक है, अभी ये 2021 चल रहा है मेरा। ठीक है, 2021 अब आई वॉज मेकिंग सम डिसेंट रिटर्न्स, अभी मैं घर के खर्चों में भी सारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, अपना अपनी तरफ से सारे खर्चे दे रहा हूँ, और मेरे को कोई एडिशनल पैसों की रिक्वायरमेंट भी नहीं हो रही घर से। ठीक है, तो आई वॉज डूइंग ग्रेट। उसके बाद जब इसके ऊपर मैंने 6 महीने बिताए, ठीक है, अब मेरे को काफ़ी हद तक फील आ गया था मार्केट का कि हाँ ऑप्शन सेलिंग में कैसे करना होता है, कैसे करना होता है। और हर बार जब एक ट्रेडर सीखता है ना, आप स्ट्रैटेजीज वगैरह कोई भी ले लो सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन आपको अगर अपने हिसाब से थोड़ा अपना पर्सनल टच ला के ट्रेड करोगे तभी आप बेस्ट और अपना बेस्ट रिजल्ट अचीव कर पाओगे। तो वही मेरे को अपना अपना टच निकालना था, तो वो जो मैंने 6 महीने बिताए आई वॉज एबल टू मेक अ स्ट्रैटेजी ऑफ माई ओन। तो मैं क्या था, बेसिक स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते थे लेकिन उसकी एडजस्टमेंट्स में थोड़ा मैंने अपना टच डाल दिया था कि मैं उसको एडजस्ट किस तरीके से करता हूँ। तो आई वॉज मेकिंग सम डिसेंट तो जो रिटर्न्स, ये अपना तड़का ठीक है, लगा रहे थे उस पॉइंट से तड़का सा जो अलग करने की कोशिश, वो एक इम्प्रोवाइजेशन समझ लेते हैं कि मैं चल ये ट्राई करके देखता हूँ, स्ट्रेटजी तो मैंने लगा ली पर मैं ये कुछ नया ट्राई करके देखता हूँ। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में कभी कभी छोटे छोटे कैपिटल से ट्राई करते होगे कि यार पहले मैं ट्राई करके देख तो रहा हूँ, उल्टा पड़ गया तो। हाँ, जैसे मैंने सिंगल लॉट्स का स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनाया, ठीक है, अब उसमें मार्केट एक डायरेक्शन को जाने लगा, तो मैं क्या करता था, कभी मैंने ट्राई करा कि ऑपोजिट साइड से और एडिशनल मैंने कॉल्स बेच दिया अगर पुट साइड पे जा रहा है मार्केट, ठीक है, ऑल एडिशनल कॉल्स बेच दिए, या फिर जो मैंने हेज बाय कर रखा है उसको क्लोजर ले आया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, मैं इवन वो था ऑप्स्ट्रा वेबसाइट है उस पर जाता था और डेली मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करता था कि कैसे, एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर अ नो लॉस स्ट्रैटेजी, ऐसा होता ही नहीं है मार्केट में, पर वो करते 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 मेरे को अपना एक नीश मिल गया कि हाँ किस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करता हूँ। तो उसके बाद वो मेरे लिए काम कर रहा था एंड आई वॉज एबल टू मेक डिसेंट रिटर्न। मेरे को याद है, स्टिल याद है दिसंबर, उसके बाद मैंने मदर से जब 6 महीने बीत गए, मैंने मदर से वापस बोला मम्मी आप तो मैं डिसेंट रिटर्न बना रहा हूँ, तो आपके पास जो कैपिटल पड़ा है, उस टाइम तक हमारे पास जो भी कैपिटल था वो FD कराते थे हम, तो FD में रखते थे, तो उस वजह से रिटर्न भी कम हो गए थे 2020 के बाद। मैंने कहा मम्मी एक काम करो, आप जो कैपिटल वहाँ पड़ा है वहाँ से रिटर्न तो कम आ रहा है, एंड आई वॉज एबल टू मेक
जनरेट मोर रिटर्न्स ऑन स्टॉक मार्केट। तो आप एक काम करो, एक बार में नहीं, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मेरे को और दे दो, तो अगर मैं सही करता हूँ तो मैं एडिशनल कैपिटल पुट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो मैंने मम्मी से लिए टोटल 6 लाख और, लेकिन उसमें से मैंने, हाँ 6 लाख और लिए, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ अच्छा 2 लाख एक बार में पुट करता था उसको, जब मैं सही करता था 1-2 महीने, 1-2 महीने उसके बाद मैं एडिशनल कैपिटल पुट करता था। तो ऐसे ऐसे मैं ठीक धीरे है धीरे और कैपिटल इंक्रीज करा, एंड उसके बाद मेरे को याद है दिसंबर वॉज द फर्स्ट मंथ वेयर आई मेड ओके 1 लाख इन अ दिसंबर मंथ। ट्वेंटी ट्वेंटी वन हाँ दिसंबर अच्छा में, दिसंबर 2021, और लास्ट मंथ अभी मैंने वन क्या लाख इन अ बात है डे आशीष, रिटर्न बनाया था। मूविंग फ्रॉम 1 लाख अ मंथ 6 मंथ्स बैक, 5 मंथ्स बैक एक्चुअली, टू 1 लाख अ हाँ डे। हाँ ब्रावो मैन, फाइव मंथ्स ब्रावो। अभी बैक। तो मम्मा बहुत खुश होएंगे कि हाँ बेटा, मम्मा पैसे से खुश नहीं होते यार, मम्मा ये मम्मी तो होते हैं अभी कि बहुत बेटा सही अब है। पता है उसको कि क्या करना है। हाँ उनको उनको वो नहीं है कि पैसे वैसे नहीं। मैंने एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम मैंने 1 लाख बनाए थे, तो मैंने मैंने डिसाइड भी करा था मम्मी अच्छा को कुछ ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट देनी है, तो मम्मी नहीं ये वाला क्या नहीं चाहिए जो महंगे महंगे दिख रहे थे, कुछ अगर देना ही है तो कुछ दी छोटा सा दे दे। बात तो है, मैंने एक पेंडेंट लेके दे गुड दिया था, थॉट यार, गुड तो थॉट। उसी में खुश थी मम्मी। ओके तो मम्मी से पैसा लिया 6 लाख, उस पे 2 लाख लगाए और थोड़ा थोड़ा करके और लगाते रहे, फिर वापस किया कि नहीं किया? हाँ सर, अभी अभी तो मैंने वापस किया, अभी मैं ही रिटर्न बनाता हूँ, क्या मैं ही बात है, ओवरऑल घर का सारे खर्चे देखता हूँ, सारा ऊपर नीचे नाइस आगे यार, पीछे सब मेरे दिस इज़ एन अंडर ही। अमेजिंग स्टोरी यार। चैलेंजेस भी बहुत आए पता है क्या, तो पूरा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बड़े सारे पॉइंट आए होंगे आशीष इन योर लाइफ, वेयर आइदर अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी क्विट, बहुत लोग छोड़ चुके होंगे कि जो तुम्हारी जगह पे होंगे, नहीं तो कुछ और करने लग जाएंगे, और ट्रेडिंग करेंगे भी तो इतना रिस्क नहीं लेंगे कि बार बार एक बिल्कुल बार घर से पूछे पैसा। मेरे को एक चीज़ बताओ पहले, नाउ यू टेकिंग मनी फ्रॉम योर मदर मल्टीपल टाइम्स, हाँ क्योंकि मैंने देखो बहुत लोगों से बात की है इसी सीरीज में, और लोगों से भी बात की है, वो तो बैंक से उठा रहे हैं पैसा एंड उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली उठा रहे हैं, उसको नहीं उठाना चाहिए, बट फ्यू दीज पीपल नो। तो मैं वही चीज़ से आ रहा हूँ कि डिड यू, वर यू कॉन्फिडेंट इनफ ऑलवेज जब भी मदर से पैसा ले रहे थे, या एक ट्रायल था कि चलो मम्मी से ही ले रहा हूँ मैं, कौन सा बाहर से ले रहा हूँ, ऐसा था दिमाग में? नहीं, ना ना कॉन्फिडेंस ना ना ट्रायल था, वो एक आप कह सकते हो, मुझे पता था कि मुझे ट्रेडर ही बनना है, एंड आई वाज कि उस पॉइंट पे मुझे पता है कैपिटल है, और हमारी फैमिली सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि हमको सडनली पैसों की रिक्वायरमेंट आ सकती है उतनी। तो मैंने अच्छा मैंने कहा कि ठीक है मम्मी आप ही दे दो, मैं अगर बाहर से लूंगा तो उसमें फिर रीपेमेंट का दिक्कत रहेगी, अगर आप देते हो तो आज नहीं दे पाया मैं या कल नहीं दे पाया, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंटली उस चीज के पीछे लगा रहूं तो मैं दे दूंगा आगे चल के। तो फेयर वैसा फेयर। वैसा पॉइंट था। और जो क्रेडिट का लोन लिया था 60,000 रुपये का, उसका क्या एंड हुआ? उसका तो मैंने फिर एक ही बार में क्लोजर दे दिया था। अच्छा नहीं, मैं हाँ उस उससे नुकसान हुआ था कुछ, क्योंकि आई गेस नहीं उस पैसों से क्या किया था, ऑप्शन बाइंग किया था? नहीं ऑप्शन सेलिंग करा था जब अच्छा उससे मैंने ऑप्शन ब्रेक सेलिंग लिया किया था। था। हाँ, ऑप्शन सेलिंग ही उसी पैसों से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी थी। अच्छा तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे होगे, हाँ ऑप्शन सेलिंग। सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हो? हाँ वैसे मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिंग का मेरा सिंपल फंडा रहता है, जो कंपनी आप प्रोडक्ट देख रहे हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने आसपास यूज होते हुए देख रहे हो, सिंपली जाओ उन कंपनीज को बाय कर लो, इसमें कोई आपको सरदर्दी नहीं पालनी। अगर उनका अच्छा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उनकी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, दे आर गुड टू गो, आपको पता है वो कंपनी अच्छी है, आपको पता है जब भी आप उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उन कंपनीज को बाय कर लो, सिंपल सिंपल लॉजिक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टाटा की गाड़ी खरीद ली तो टाटा मोटर्स हो गया, टाटा मोटर्स खरीद लो। तो अगर FMCG हो गया, हाँ FMCG यूज़ करते हैं अपन आप सारा दिन सब कोलगेट लोग, से ब्रश करते हो डेली सुबह, कोलगेट से ब्रश कोलगेट करते खरीद हैं, लो। हाँ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो पता हाँ है कि ये कंपनीज काफ़ी टाइम हाँ से, अपने बचपन से टाइम काफी से अपन टाइम से। देखते आ हाँ रहे हैं। तो वो लॉजिक है, तो बाकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ईयर क्वार्टरली रिपोर्ट देख ली, वैसे ईयरली रिपोर्ट देख ली, तो उस पर भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, क्योंकि अब तो सीख गया मैं, पहले नहीं पता था, तो सिंपल लॉजिक रखते था, वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल ही था, मेरे को कभी एज सच इन्वेस्टिंग से कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा तो ऑप्शन सेलिंग
में कोई अपना स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है? एज्यूम वैसे ही हुआ होगा। हाँ, थोड़ा अगर मैं बताऊं तो सिंपली मैं ये बता सकता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक स्ट्रैडल बना दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, एक ही स्ट्राइक के कॉल और पुट दोनों बेच दिए, उसके बाद हेजेस बाय कर लेते हैं जो भी ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। अब मार्केट अभी के टाइम पे तो ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन अगर जब नॉर्मल टाइम था, अभी थोड़ा आपको वो समझना आजकल पड़ता है तो मार्केट, अगर रेंज कौन से रेंज कितना बड़ा रेंज है तो आपको थोड़ा दूर जाके काम करना पड़ेगा, लेकिन पहले जो था वो ऐसा चल रहा था मार्केट की आपने स्ट्रैडल बना दिया, हेजेस बाय कर लिए ब्रेक इवन के, तो मैं क्या करता था, मार्केट जिस साइड को मूव कर रहा है, जैसे ही मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचा, मैं वहां के हेज को उठा के और क्लोज कर देता था, और ऊपर से दो दो एडिशनल अगर कॉल्स भेज दिए अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो मेरा एक साइड को न्यूट्रल कर देता था कि हाँ आप करेक्ट। इस साइड जाओ तो कोई लॉस नहीं। अब चांसेस बहुत कम होते हैं कि मार्केट घूम के ऑपोजिट साइड जाएगा, लेकिन जा सकता है, जा अगर सकता है, मोमेंटम तो पकड़ा उस है तो चांस कम है, बट जा हाँ सकता है। चा, हाँ जा सकता है, तो उसके लिए मैं क्या करता था, वहां पे अपसाइड पे मैं हेज एक के बदले दो हेज कर रहा है, या तीन हेज के जितने मैंने लॉट्स बढ़ाए हैं उससे दो अच्छा हेज सर, एक्स्ट्रा बाय कर लेता था, ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, अगर मार्केट घूम के ऊपर भी गया तो आई कैन एबल टू अगेन मैनेज दैट कॉल पोजिशन, साइड, हाँ कॉल साइड पे, हाँ, तो कॉल साइड ये टारगेट मेरी करना। स्ट्रेटजी रहती थी। ये अभी आई अज्यूम 6 महीने के, 6 महीने बाद के आशीष से अगर मैं बात करूँगा तो उसमें और भी नए चेंजेस आए होंगे इन टर्म्स ऑफ हाँ, स्ट्रेटजीज क्योंकि उसी मार्केट से। इज डायनेमिक, मार्केट इज हाँ डायनेमिक, आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ सिखाएगी, बात ये होती है आप जितना टाइम मार्केट को दोगे आपको उतना मार्केट से सीखने मिलेगा। अभी ये हो गया है कि अगर मैं मार्जिन रूल को लेके बात करूं, तो मुझे लगता है जो मार्जिन रूल आया था उससे लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई है। अगर कोई बंदा फेयर, कम कैपिटल से ट्रेड कर पाता था, अगर ट्राई ट्राई भी करना चाहता है उस सेगमेंट को, तो आज की डेट में वो ट्राई भी नहीं कर सकता, ये मेरे को पॉसिबल ही नहीं, लगता है। हाँ पॉसिबल ही नहीं। बहुत सारे लोगों के करियर बनने से पहले ही बंद हो गए हाँ फॉर दैट मैटर। फिर लोगों से पैसा लो कहीं से, क्योंकि करना तो है। इन योर केस फॉर हाँ एग्जांपल, के हाँ मान ही लिया है कि मेरे को लाइफ में करना ही ये है, तो इन दैट केस चलो अपने पास तो घर पे था, लेकिन कईयों को बैंक से बिल्कुल उठाने पड़ते हैं। देयर आर स्टोरीज एंड ऑल दैट। नहीं, इंटरेस्टिंग, क्वाइट अ बिट। तो अभी यू आर सेइंग सारा दिन ही योर टाइम गोज इन टू एनालाइजिंग मार्केट्स। हाँ, मैं मार्केट आवर्स में तो मार्केट में ही होता हूँ, मार्केट आवर्स बंद हो गया तो 1 घंटा मैं पहले पूरे डे के एक्टिविटी देखता हूँ, और कौन से आपके ऑप्शन स्ट्राइक्स में क्या क्या मूवमेंट हुई, फिर आपका इक्विटी में क्या क्या मूवमेंट हुई, वो सब एनालाइज करता हूँ, वो सब हो जाता है, देन आई वेन एंड क्लोज माई सिस्टम, फिर रात को मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ, मैं ADB के वीडियोस देखता हूँ डेफिनेटली एवरी सिंगल ये बहुत अच्छा डे, करते ठीक हो। है, एवरी सिंगल डे, और बाकी भी फिर दूसरे भी एनालिटिक्स वीडियोस देखता हूँ, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट वगैरह, तो उसके बाद सुबह मार्केट में दिस कितने इज बजे माय बैठ डे। जाते हो? मार्केट खुलते ही मार्केट खुलते ही वही मेरा, मैं आठ खुलने से बजे पहले? आठ बजे उठ जाता हूँ सुबह, उसके बाद वही कॉफी वॉफी पी, देन थोड़ा न्यूज वगैरह देखते हुए कि SGX निफ्टी कहाँ है, ओवरऑल ग्लोबल हाँ, मार्केट्स में क्या हुआ, देन मार्केट ओपन हो जाता है तो देयर आई गो। ओके। और वीकेंड का क्या सीन रहता है? हाउ डू यू रिलैक्स योर सेल्फ? बड़ा यार, ऑप्शन सेलिंग हो गया, ऑप्शन या डेरिवेटिव्स तो बड़ा यार थकाऊ वाला काम है, हजार चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला, कभी कभार ऐसा होता है कि वीक ऑन वीक सेम काम करते हुए वो बर्न आउट वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ, एवरी वीक आप वही कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो डेली कि हाँ मेरे को थोड़ा पिछली बार से बेटर करना है, थोड़ा सही तरीके से एडजस्ट करना है पोजीशंस को, तो वो बर्न आउट वाली कभी कभार फीलिंग आ जाती है, तो समटाइम्स आई टेक अ ब्रेक, हम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन वगैरह पे चले जाता हूँ घूम फिरने, आई लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिसेंटली वी वेंट टू ऋषिकेश, अच्छा, वहाँ बंजी जंपिंग करी थी, क्या वहां बात पे है। रिवर राफ्टिंग करी थी, तो ऐसा ही रहता है। तो जब बंजी जंप किया होगा तो ऐसे लगा हो कि मैं सपोर्ट लेवल टच कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस से दो दिमाग बिल्कुल वैसे फ्री चलता रहा होगा। मार्केट का फ्री फॉल लगा था एकदम, बैंक फ्री फॉल निफ्टी लगा। ड्रॉप ड्रॉप नहीं, पता क्या बात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जैसे फुल टाइम ट्रेडर होता है ना, अब जैसे जॉब करते हो कहीं पे,
तो आज मैंने जो काम किया कल मैं वहाँ से शुरू करूँगा, आज छोड़ा फिर कल आने वाले कल में मैं वैसे करूँगा। इट्स ए कॉन्टिन्यूस थिंग। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जब करते हैं ना, ट्रेडिंग वो रोज़ जीरो से शुरू करना है कि आज क्योंकि मेरी फिर से मार्केट नई मार्केट शुरुआत है। बहुत डायनेमिक है, हर दिन आपको कुछ सिखाएगा वो, हर इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम एवरी सिंगल डे। तो अपन जैसे साइकोलॉजी की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, बंदे का जितना दिमाग और जितना एग्जॉस्टन स्टॉक मार्केट में लगता है, आई डोंट थिंक ये उस लेवल का हो गया जो कि कोई साइंटिस्ट वगैरह लगे रहते हैं सारा दिन अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने में कि ये चला नहीं चला वो चला। मोर और लेस दिस इज दैट काइंड ऑफ ए जॉब, स्पेशली इफ़ यू आर इन टू डेरीवेटिव ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे यार द काइंड ऑफ लॉस एंड द गेन अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी भी अनलिमिटेड है। तो वहाँ पे गेम थोड़ा सा ना एक इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। सो कितनी देर अपने आप को देखते हो, लाइक 50 साल का आशीष भी क्या कर रहा होगा? चलो 50 रहने दो, 50 रहने दो, अभी तो 26 साल के हो। 35 साल का आशीष क्या कर रहा होगा? 35 साल का आशीष, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। एक्चुअली अभी एज सच मैंने अपने आप को वैसा सोचा तो नहीं कभी, लेकिन अगर मैं बताऊं तो आई वॉज बिल्डिंग माई एसेट्स। तो मैं जितना हो सके, जितना भी मेरी इनकम होती है उसका 70% मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो उसके बाद आई वॉज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। मैं US मार्केट्स में भी अभी इन्वेस्ट करता हूँ, इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ। ऑल्सो ट्राइंग टू, जैसे मेरा कैपिटल बढ़ता है, आई वॉज ट्राइंग टू गो इन टू रियल एस्टेट एज वेल। हाँ, तो उसमें उसमें थोड़ा कैपिटल एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे मेरा कैपिटल थोड़ा और बढ़ जाए, देन आई विल गो इन टू दैट एज वेल। कूल मैन। यू आर बेस्ड ऑन दिल्ली और वेयर, कहाँ से हो? या दिल्ली से ही, अच्छा बॉर्न एंड दिल्ली, ब्रॉट बोर्न अप एंड इन ब्रॉट। दिल्ली। हाँ, अच्छा वैसे फैमिली मैं, वेस्ट बंगाल से। हाँ, ओह ओके, व्हाट्स योर फुल तो नेम? मेरा आशीष। अच्छा आशीष आशीष भट्टाचार्य। भट्टाचार्य आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो कोलकाता या वेस्ट बंगाल, कहाँ कहाँ से हो? हाँ, वेस्ट बंगाल, फैमिली पूरी वेस्ट बंगाल से ही अच्छा, हैव यू बीन देयर? है। या मल्टीपल टाइम्स। और बंगाली बोलते हो? हाँ घर पूरी। पे बंगाली चलती है? हाँ, मम्मी के साथ सारी बंगाली। क्या बात इवन है। इवन हमारी डॉगी को भी बंगाली ही बोलना पड़ता है, मम्मी के साथ रहती है तो वो भी बंगाली। अच्छा क्या बात है। अब मैं थोड़ा इन योर पर्सनल लाइफ आई वांट टू एंटर, थोड़ा बहुत जहाँ तक कंफर्टेबल हो। तो एक नॉर्मल फुल टाइम ट्रेडर के लिए चैलेंज होता है कि उसके जो घर परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले कहते हैं कि आपका बेटा करता क्या है। अरे इसका इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अभी दे सकता हूँ, बहुत अच्छा। रिसेंटली आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, रेंटेड रेंटेड अपार्टमेंट। तो मेरे हाँ को लो जहाँ पे भी जाता था, मैं कह रहा हूँ मुझे अपार्टमेंट दिखाने, अब ब्रोकर के पास गया जैसे, तो ब्रोकर को बोला कि सर मेरे को घर चाहिए 3 BHK, तो आप मेरे को ऑप्शंस दिखा दो। तो वो क्या करता था, वैसे ऑप्शन दिखा देगा, जैसे ही मैं उसको बताऊँ वो मेरे से पूछता है आपका प्रोफेशन क्या, आई एम अ स्टॉक ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर और ट्रेडर, कुछ भी बोलूँ भाई कुछ भी बोलो। साहब। जैसे ही बोलूँ, अगर ये भी बोलूँ ना मेरा, क्योंकि ऑप्शंस की इनकम तो बिजनेस इनकम में काउंट होती है, आई वॉज इवन से कि मेरा बिजनेस है भाई साहब, अच्छा बिजनेस मैन या ट्रेडर या किसी भी प्रोफेशन वाले को घर नहीं मिल सकता, वो ही नहीं देने को राजी कहीं। मैंने बात है। इतनी जगह देख लिया, मतलब 4-5 ब्रोकर के पास अलग अलग टाइम गया, उनके मल्टीपल घर देखे, और लास्ट में जो ओनर से बात करता है कहता है कि सर वो बिजनेसमैन को नहीं देंगे या ट्रेडर को नहीं देंगे। और उसका मेरे को यही समझ आता कि आगे आधे लोगों को समझ नहीं आता, और जिनको समझ हाँ आता है वो उनको एक ही चीज समझ आती है, ये तो जुआ जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है। करते हैं, इनका क्या पता किराया दे ना पाए, ये ना कर पाए, वो ना कर पाए। ओके और आर यू मैरिड नो, येट? सिंगल नॉट येट, येट, नॉट येट। सिंगल। तो अशी सोचा है इसके बारे में? ये भी चैलेंज है अरे तो कि ये आपका बेटा करता क्या है? तो ट्रेडर है ये। मैं खुद से नहीं, जो मैं बात करता हूँ ना, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू यंगस्टर्स लाइक योर सेल्फ एंड वो भी फुल टाइम ट्रेडर। तो दिस है इन ए वेरी कॉमेडी वे कि यार किसी से पूछ लो, मेरे तो घर परिवार रिश्तेदार मेरे को पूछते रहते हैं कि भाई जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, क्या सारा दिन बिल्कुल। ट्रेडिंग करते रहते हो। लेकिन जब पैसा आना जाता, जब पैसा दिखता है ना दुनिया को, फिर दुनिया अपने आप चुप कर जाती है, फिर नहीं हाँ, बोलते वही लोग। जो यही मेरे एक कारण मेरे भी फैमिली का सारा हिसाब था कि जब मैं नहीं कर रहा था तो फैमिली भी सारा आके बोलती थी कि आशीष कुछ करने क्यों नहीं रहा, इसको बोलो जॉब कर ले या कुछ कर ले, देन यार। नाउ इट्स ऑल ओके। अब वो लोग एडवाइस लेने आ जाते हैं।
कि मेरा पोर्टफोलियो देख लो या मेरे को बता दो चार स्टॉक बता दो कहाँ पैसा लगाएं, ऐसा ही होता है। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल। क्या बात है आशीष, क्या बात है। गुड यार, यू आर वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी एट सच अ यंग एज, एंड थैंक बहुत अच्छा विजन है यार तुम्हारा। एंड आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इवन यू स्टार्टेड बैक इन 2016। वही वही साल है जब हमने और डिजिटल ब्लॉगर शुरू किया था 2016 में, अच्छा। हाँ, सेम ईयर आई उस वाज साल का फॉलोइंग यू मार्च सिंस 2019। 2019। हाँ ओके, तो अपनी दोस्ती चलो 3 साल पुरानी है, हाँ वर्चुअल दोस्ती। हाँ वर्चुअल तो दोस्त। द फैक्ट दैट यू हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैड जैसे घर पे फादर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल भी बहुत हाई रहा हाँ है, हाँ तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू स्टक देयर, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड योर एफर्ट्स यू आर द पॉइंट एट द पॉइंट जो तुम बनना चाहते थे, हाँ एंड ऑब्वियसली दिस इज़ गोना गो इन द फ्यूचर एज वेल। तो दैट इज़ हाँ कमेंडेबल यार, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, 100 में से 95-96 लोग ना, ये उनकी कहानी नहीं बनती, और चार की भी नहीं बनती है एक्चुअली। चार अड़े रहते हैं, उनमें से एक या दो ही सक्सेसफुल होते हैं। सो कीप डूइंग वॉट यूर डूइंग मैन, कीप डूइंग वॉट यूर सही डूइंग। तो अच्छा लगा तो। यार बात करके। बिल्कुल सर, आपसे बात करना इट्स लाइक एन ऑनर टू मी। तो अरे नहीं नहीं दोस्त, कभी मतलब जब मैं आपको देखता था, मैं सोचता था चलो कोई तो मोटिवेशनल है। और इवन आप जितना नॉर्मल रिटेल लोगों को लेके बोलते हो, तो मुझे ही लगता अब तक और कोई यूट्यूबर इस तरीके से डेली बेसिस पे अपना कीप ग्राइंडिंग ऑन द सेम टॉपिक कोई नहीं करता करेक्ट। सर। तो ये हाँ आप यार, में बात है। कोशिश है बस, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है आशीष, दिस दिस इज बिकम्स वेरी हेल्पफुल। ऑनेस्टली हमारे 70% वीडियोज़ नॉन मोनेटाइज्ड होते हैं, हम मोनेटाइज भी नहीं करते हैं उसको। पॉइंट यही है कि इफ़ सम हाउ दिस मैसेज रिचेज आउट टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, अब करने को तो दैट्स वाई हमने सोचा कि वाई डोंट वी इंटरेक्ट विद पीपल। ये जो स्मॉल टाउन हीरोज़ होते हैं ना, आप लोग क्या हो, जो स्मॉल टाइम जो जो एक ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर है, वो SME तो है, एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है आज की तारीख में, जो आगे चल के एक लार्ज कैप स्टॉक बन सकता है। बिल्कुल। तो आई अरे होप यू तो डू बिकम वन वन डे। क्या आप कुछ बोलने लगे थे? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर उन बड़े यूट्यूबर्स को देखो, फॉर एग्जांपल आई कैन से द नेम ऑफ पावर ऑफ स्टॉक, सुभाषिश पानी सर। तो वो भी, उनकी भी जर्नी ऐसी ही रही थी। स्टार्टिंग में उनका भी कैपिटल लॉस हुआ, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करा था। बट हाँ इफ नाउ लुक एट हिम। या नो डेफिनेटली यार, आई एम मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग टू फ्यूचर दमानीज, फ्यूचर राकेश झुनझुनवालाज, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। क्योंकि हर कोई नहीं, 10 में से 9 लोग क्लियर होते हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, माइंडसेट क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, विजन क्लियर है। पैसा वैसा इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज उनको पता है कि यार पैसा आ जाएगा, हाँ सर, कभी पैसे कभी के पीछे नहीं पैसा भागना। फोकस नहीं था। इधर इधर फोकस था मेरा कि मुझे अपना प्रोसेस सही करना है, प्रोसेस सही करना है। और जो रिटर्न भी आए, आई वॉज नेवर लुकिंग द रिटर्न एज इंटीजर्स नंबर्स। मैं नंबर्स पे फोकस नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज वाइज देख रहा था कि अच्छा मेरा कैपिटल अगर करेक्ट, ड्रॉडाउन हुआ तो कितना परसेंट हुआ, मेरा अगर कैपिटल गेन आया तो कितना परसेंट आया। तो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दिस। अच्छा जब पैसे बनाते थे कभी कभी अच्छा खासा, समझ लो पैसा जो लगातार बनाते होगे बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में बड़ा प्रॉफिट भी हाथ में आ जाता है कभी कभी, तो कभी उससे कुछ बड़ा कुछ खरीदा हो अपने लिए कि यार आई शुड यू नो ट्रीट माई अभी सेल्फ। अभी तक सर आप यही मेरे सामने देख सकते हो, लैपटॉप टीवी, आई परचेज देम अच्छा बोथ। क्या बात तो यही था। है। नहीं, गुड है, नाइस यार, यू आर श्योर के पैसा इज समथिंग दैट कैन फॉलो, पैसे को भी परसेंटेज से देखते हो तो बहुत बढ़िया बात है। कीप दैट थॉट प्रोसेस विद यू। बहुत अच्छा लगा आशीष बात करके, वैसे सर लगा कि आप मैं जानता हूँ आशीष को बहुत सालों से, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि आई एम बिल्कुल। टॉकिंग टू द फर्स्ट टाइम। कीप दैट पर्सनैलिटी, इट्स अ वेरी यस गुड श्योर। पर्सनैलिटी, नाइस पर्सनैलिटी। एंड ठीक है, हमारी टीम से शायद अमृत आपको रीच आउट करेंगे, ओके है ना? अभी के लिए हाँ आई गेस वी सर, कैन आपसे पॉज आपसे देयर। मे हाँ मे मेरा एक क्वेश्चन था। आप हाँ जैसे डेली यूट्यूब पे डेली वीडियोस डाल रहे हो, डेली आपको ये आप अच्छे पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, भले ब्रोकर के हो, सेबी के हो, सारे आप लेके आ रहे हो।
कभी आपको भी फील आता है कि बर्नआउट, कि हाँ डेली करते करते फिर भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, जो मैं करना चाहता हूँ अच्छा करना चाहता हूँ, रिटेल्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ उसका भी रिस्पांस नहीं है, जैसे अभी रिस्पांस नहीं करता मोस्टली, तो उसमें आपको बर्नआउट वाली फीलिंग आती है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? मैं ऐसा कहूँ कि मुझे बर्नआउट फीलिंग नहीं आती, ये सच होगा। अच्छा एक्चुअली आई लव व्हाट आई डू एंड मैं नंबर्स देखता ही नहीं हूँ एट ऑल। हाँ नंबर्स, जैसे अभी आजकल हम शॉर्ट्स कर रहे हैं, कुछ टाइम से शुरू किया है एंड दे आर वर्किंग आउट वेल। जब अच्छा जाता है तो खुशी होती है बहुत, एक लगता है अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि अब कुछ गया, फाइनली दिस इज़ वर्किंग। लेकिन जब कुछ बुरा जाता है तो ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन उससे ये नहीं होता कि यार क्या कहे, इतना मेहनत किया, ये कुछ भी नहीं हो रहा। वो फीलिंग शायद 2-3 साल पहले आती थी, लेकिन अभी थोड़ा इतना स्टेडी हो गया है माइंडसेट कि यार एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स विल वर्कआउट। अगर हम कर रहे हैं इतने सालों से, वी रीच्ड टू दिस पॉइंट, तो भगवान की दया से चलता ही रहेगा ये। तो उसकी वजह से ना ये कभी हुआ नहीं कि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस लो हो जाए मेरा या डिप्रेस हो जाऊँ। वो एक पॉइंट इन टाइम पे ना, जब तुम्हें तुम्हारी भूख बढ़ जाती है ना, व्हेन यू नो कि तुम्हारा कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, ये तो जर्नी है, तो चलते ही रहना है, कहाँ पहुँचना कहाँ है, कहीं पहुँचना है ही नहीं, ऐसे ही चलना है, तो फिर वो शायद नेगेटिव वाली फीलिंग आती नहीं है। तो मैंने मैंने एक्चुअली सोचा हुआ इस बारे में कि द क्वेश्चन यू आस्क ना, आई डिड आस्क माई सेल्फ फ्यू मंथ्स बैक, तो वो नेगेटिव वाली फीलिंग आई नहीं। तो भगवान की दया, आई वुड वॉन्ट कि मैं ऐसे ही, इस थॉट प्रोसेस ऐसे ही रहे, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे कुछ वीडियोज़ के 1500 व्यूज़ भी आते हैं कई बार, और वो वीडियो हमने बहुत मेहनत की होती है। चल छोड़, कोई बात नहीं। कूल ओके आशीष, कूल चलो यार यस ग्रेट, हैव अ गुड गुड डे या एंड सर यू आई टू होप, आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। एंड मेरी तरफ से आंटी जी को नमस्ते कहना, बिल्कुल बिल्कुल एंड सर विश ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। या ठीक है, श्योर या ऑल द ऑल द बेस्ट टू आशीष, यू सर थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, बाय ओके। बाय।